मैं जा रही हूँ अभी की बुक्स लेने के लिए। आज नवरात्रि है और फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा और ये सेकंड पार्ट है, तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले अभी की बुक्स लेने के लिए और बुक्स को लेके आऊंगी, फिर उस पे कवर जो होते हैं उस कवर उस पे चढ़ाएंगे बुक्स पर। और क्यों ऐसे पढ़ोगे? और फिर बहुत सारे काम होते हैं ना बुक्स को लाने के बाद, उसको सब करना होता है। तो चलो चलते हैं बुक्स लेने के लिए। लाइट सब बंद करके जा रहे हैं इस रूम की। और अभी किचन की लाइट खुली हुई है, किचन की लाइट खुली हुई रखते हैं, बाकी यहाँ सबकी लाइट बंद कर। इस रूम की अभी लाइट क्यों बंद कर दी? कुछ भी बोलता है। और फैन भी ऑफ कर देते हैं। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है मास्क, इसको लेना बहुत जरूरी है। बिना इसके तो हम जा भी नहीं सकते हैं और हमें तो एंट्री भी नहीं मिलेगी बिना मास्क के, है ना। तो ये ले लेते हैं मास्क। और आके बनाएंगे फलाहार, क्योंकि अभी फलाहार नहीं बनाया है तो आके बनाएंगे। क्या बनाना है देखते हैं। चलो लगा लेते हैं इसको और फिर चलते हैं। अभी की बुक्स मैं ले आई हूँ। इतनी धूप थी बाहर, इतनी धूप थी और दूर भी नहीं था हमारे घर के, थोड़ी दूर में था और उतने में हमारी हालत खराब हो गई धूप की वजह से। तो अभी की फाइनली बुक आ गई है। अभी तक अभी एनलाइन ऐसे ही ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, दो तीन दिन इन्होंने ऐसे ही किया और आज फाइनली इनकी बुक आ गई है। तो अभी अपनी बुक से पढ़ाई करेंगे और अभी अब सेकेंड में आ गए हैं। तो ये देखिए बुक्स आ गई हैं ये इनकी। और ये पैड है, ये पिछली बार भी लोगों ने दिया था लेकिन अब स्कूल तो बच्चे गए नहीं तो ऐसे ही रखा है, पहले का भी और अब का भी ऐसे ही रखा है। ये रखा रहेगा, मतलब कितना यूज होता है ये। एंड ये कवर एंड ये नेम स्लिप सब कुछ आ गया है इनका। और स्टेशनरी वगैरह मैंने नहीं ली है क्योंकि पहले की ही स्टेशनरी इतनी ज़्यादा रखी हुई है तो मैंने नहीं ली स्टेशनरी। और क्या है ना, स्कूल वालों को क्या है, पढ़ाई हो या ना हो बुक्स कॉपीज तो हमें लेनी ही होती है, वो तो लेना ही है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो, वो तो हम लोगों को लेना ही होता है। और फीस और बुक्स उसका खर्चा तो होता ही है ना। तो ये बुक्स आ गई हैं और अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम क्योंकि बहुत थक गई हूँ। पहले मैं बालों को बांधेंगे क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहा है, खुला हुआ बाल रहता है ना तो बहुत ज़्यादा उलझता है, तो इसको हम बांध लेंगे बालों को। और बाकी और बुक्स में कवर हम चढ़ाएंगे शाम को, क्योंकि अभी नहीं चढ़ाएंगे, अभी थक भी गए हैं, धूप में जाके हालत खराब हो जाती है ना, तो अभी नहीं चढ़ाएंगे। तो चलो फटाफट से अपने बालों की चोटी बनाते हैं और फिर करते हैं थोड़ा आराम। तो आपको शाम को, और शाम को क्या फलाहार बना रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो खोलूंगा। ठीक है खोल। तो ये अपनी देखिए खोल रही हैं बुक्स। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं बनाने वाली हूँ फलाहार। और फलाहार में मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। उसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया है, देखिए ये उबाल कर रख दिया था मैंने आलू को। और आलू की सब्जी बनाएंगे और बनाएंगे ये सिंघाड़े का आटा की पूड़ी। तो ये है सिंघाड़े का आटा, देखिए ये। और व्रत में ये बहुत अच्छा लगता है ना खाने में, सेंधे नमक का बनाते हैं तो बस एक टाइम सेंधा नमक खाते हैं। और तो ये आलू भी, आलू को हम छील लेते हैं और फिर इसको फ्राई करके और फिर इसकी पूड़ी बना लेंगे। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिए और देखना कि ये मेरा फलाहार कैसा बना है। और ये लिपस्टिक ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है लिपस्टिक का, है ना।
महाराज इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, इतनी ज्यादा प्यास लग रही है कि थोड़ी थोड़ी देर में मैं पानी पी रही हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तो चलो आलू को फटाफट से छील लेते हैं और फिर इसकी सब्जी बनाकर फिर इसके सिंघाड़े के आटा की पूड़ी बनाते हैं। और फटाफट से हम छीलते हैं आलू और फलाहार बनाने के बाद, खाने के बाद, और फिर मैं जाऊंगी मम्मी के घर। मेरी मम्मी का घर मतलब मेरा मायका बिल्कुल पास में ही है, तो वो भी जाएंगे वहाँ पर। और बस मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी तीनों लोग मिलकर कुछ भजन गाएंगे, और बाहर से किसी को नहीं बुलाया है, बस हम ही तीन लोग हैं। तो हम तीन ही भजन गा लेंगे भगवान के, क्योंकि नवरात्रि में भजन गाना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा को गूंथ लिया और फटाफट से इसकी पूड़ियाँ बनाती है। पूड़ियाँ हम इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि ये होता है ना, बेल अच्छे से बेल नहीं पाता है, तो इस तरह से हमने जैसे पापड़ बनाते हैं उसी तरह से हमने पूड़ियाँ बनाई, और बहुत ही अच्छी बहुत ही मुलायम पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। इससे इस तरह से देखिए कितनी गोल और कितनी अच्छी पूड़ी बन के तैयार हुई है, और एक एक पूड़ी फूली हुई है। बहुत ही अच्छी सिंघाड़े की पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। और फटाफट से हम आलू भी फ्राई कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से आलू भी फ्राई कर लेते हैं। तो और इसके बाद हम चलते हैं मम्मी के घर। और हाँ, हम लोगों के भजन ज़रूर सुनना जो कि हम लोगों ने ढोलक पर गाएंगे, तो बहुत ही अच्छा। अभी आपने जो पहले मैंने भजन आपने सुना होगा, सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में भजन आपको सुना होगा था ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना भजन ढोलक पे गाने। और बहुत सालों के बाद मैंने ढोलक बजाई और ढोलक पे भजन भी गाए, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये हमारा आज का फलाहार।